टू शो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन. असली लॉ तो सेकेंड लॉ है. तो फिर फर्स्ट और थर्ड क्या है? ऐसे ही है? नहीं, ऐसे नहीं है एक्चुअल में. इसलिए ये बड़ा लॉ है, सबसे बड़ा लॉ या रियल लॉ है, क्योंकि इस लॉ से आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ निकाल सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, और न्यूटन का थर्ड लॉ भी निकाल सकते हैं प्रूव. इट कंटेन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड इट कंटेन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो इसलिए सेकेंड लॉ सबसे बड़ा लॉ है. तो ये प्रूव करने के लिए अपने को फर्स्ट लॉ प्रूव करना पड़ेगा. थर्ड ये सेकेंड लॉ में पड़ा हुआ है. कैसे? सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर किसी बॉडी पे फोर्स ना एक्ट करे एफ जीरो, तो उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी? जीरो. एक्सेलरेशन जीरो के क्या मतलब है? या तो बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी मूव कर रही है विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. तो फिर हमने भी क्या किया था? हमने यही को किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ में कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट नहीं करती एक्सटर्नल, तो या तो बॉडी रेस्ट पे है या मूव कर रही है विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. क्लियर है यहां तक? तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ. अब न्यूटन का थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ. ये सीखने के लिए आपको एक वर्ड ध्यान से नोट करना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम. ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, पहले इसकी डिस्कशन करनी पड़ेगी तो आगे चलेंगे. आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते. तो जिस भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बंदूक से गोली चलाई, गोली आगे गई, बंदूक बाय रिएक्शन पीछे हो गई, एक्शन रिएक्शन डन. और जितना एक्शन होगा, जितनी तेज गोली चलेगी रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, तो गन उतनी पहले तेज वापस आएगी. बॉर्डर पे वो फौज चलाती है टैंक, तो मिसाइल चलती है, टैंक बड़ी जोर के पीछे होता है. अब इमेजिन करो इस सिचुएशन को कि कोई कहे कि नहीं जी ऐसा थोड़ा ना होता है, टैंक को तो जबरदस्ती फौजी लोग जो है वो पीछे की तरफ फेंकते हैं, मतलब मिसाइल चलती है फिर वो जाते हैं और टैंक को झटका मारते हैं. नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है यार. तो नेचुरल है, जितनी तेज एक्शन होगा उतनी तेज रिएक्शन होगा. तो किसी ने जाके एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगाई ना मिसाइल को फेंकने में ना उसको टैंक को पीछे करने में. तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है. गोली जब चलती है गन पीछे आती है बाय रिएक्शन, जितनी तेज गोली जाएगी बाय रिएक्शन बुलेट गन भी उतनी तेज पीछे आएगी. मैं जाके ऐसे नहीं चलाता गोली, गोली को पकड़ूंगा फिर फेंकूंगा, फिर मेरी मर्जी गन को पीछे फेंकना है फेंक लो, नहीं फेंकना जेब में डाल लो या इधर को फेंक दो. तो मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा. अगर गोली इधर चलेगी बाय रिएक्शन गन पीछे ही आएगी. एक्शन रिएक्शन नेचुरल है, आइसोलेटेड सिस्टम है. जैसे मैं एक बोट पे चलता हूँ, बोट पीछे आती है, तो मैं जितनी तेज चलूंगा बोट उतनी पीछे आएगी. ऐसा थोड़ी ना हो रहा कि मैं चल रहा हूँ और किसी ने बोट को पकड़ा हुआ है और बोट अपने हिसाब से पीछे कर रहा है, ये थोड़ी ना. तो एक्शन जितना उतना रिएक्शन. तो एक तरीके से ऐसा फील हो जैसे नेचुरल सिस्टम है, एक्शन रिएक्शन का नेचुरल सिस्टम है, इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. बॉम्ब फट जाता है, दो टुकड़े हो जाते हैं, एक टुकड़ा इधर एक ऑपोजिट जाएगा ही जाएगा, एक्शन रिएक्शन M1 V1 M2 V2 सुना होगा आपने. तो एक्शन रिएक्शन है. तो इसमें कोई ये तो नहीं है कि एक बॉम्ब को पहले तोड़ेगा दो हिस्से में, एक उधर फेंकेगा इधर फेंकेगा, अपनी मर्जी थोड़ी ना चलती है. समझ में आ रहा है? आइसोलेटेड सिस्टम है. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई नया सिस्टम आइसोलेटेड है कि नहीं. ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आपको याद हो गया कि मैंने कहा था तो मान लिया, पर हमें पता कैसे लगेगा कि नया सिस्टम आइसोलेटेड है कि नहीं? और ऐसे कितने एग्जाम्पल हमें आएंगे जिसमें हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि आइसोलेटेड है कि नहीं? हमें ना 6-7 एग्जाम्पल स्टैंडर्ड है जो प्लस वन प्लस टू में आते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आता, भाई इसी में से आएगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक लिस्ट लिखवाऊंगा आइसोलेटेड सिस्टम की, बस प्लस वन प्लस टू में वही आएगा. तो आपको 7वां 8वां सिस्टम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आपको आप यूज टू हो जाएंगे, आपको थोड़े दिनों में पता लग जाएगा वॉट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. तो अभी के लिए आज के काम चलाने के लिए आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स क्या रहती है? जीरो. और आइसोलेटेड सिस्टम में क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या रहती है? जीरो. अब फोर्स होती क्या है? डीपी बाय डीटी. अब क्योंकि फोर्स की वैल्यू जीरो है तो मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी सिस्टम की? कॉन्स्टेंट. तो आइसोलेटेड सिस्टम में पहला रूल, एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगी? जीरो. तो टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट. कोई डाउट इसमें? ये दो चीजें याद रखनी है. बॉल्स का टक्कर होना, बॉल्स आती हैं एक्स एक्सिस पे आई, टक्कर हुई और चली गई,
जितनी तेज आएंगी टक्कर होगी उतनी तेज वापस जाएंगी। ऐसा कभी होता है कि आपने बॉल को पकड़ा, टक्कर खुद मर्जी से मारी, एक को रख, एक को कहता नहीं फेंकूंगा, एक को फेंक दिया, ये आइसोलेटेड नहीं है, तो अपने आप आई अपने आप चली गई, ये आइसोलेटेड है। तो बॉल्स का टक्कर होना भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, राइट। तो इसकी डिस्कशन बाद में करेंगे, पर अभी के लिए थर्ड लॉ प्रूव करने के लिए आपको सिस्टम हमेशा क्या लेना पड़ता है, आइसोलेटेड। तो आप लिखेंगे ये पेपर में, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे मैंने लिया दो बॉल्स की टक्कर है, M1 तेज चल रहा है, M2 स्लो चल रहा है, तो M1 M2 को टक्कर मारेगा। टक्कर मारते हुए M1 ने M2 पे फोर्स लगाई, तो M2 ने M1 पे भी फोर्स लगाई। तो M2 पे क्या फोर्स लगी, F2 1, 2 पे फोर्स लगी 1 ने लगाई, और 1 के ऊपर फोर्स लगी 2 ने लगाई। फिर आपने ऐसे भी लिखना है कि मान लो P1 वेक्टर लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल, P2 लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल, F12 का मतलब M1 के ऊपर फोर्स लगी 2 ने लगाई, F21 का मतलब 2 के ऊपर फोर्स लगी 1 ने लगाई। फोर्स क्या होता है, dp by dt, पहली बॉल के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, पहली बॉल का मतलब F1, dp1 by dt, सेकंड बॉल के ऊपर क्या लगेगा, वेक्टर जरूर लगाने हैं सबके ऊपर, F21 वेक्टर इज इक्वल टू dp2 वेक्टर by dt, इन्हें ऐड करेंगे तो हम आ गई। अब क्योंकि हमने सिस्टम क्या लिया, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, जीरो, तो इनका सम क्या आएगा वेक्टर का, जीरो, तो ये टर्म राइट पे जाएगी, एक्शन या रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो फिर आप लिखेंगे कि क्योंकि आपने सेकंड लॉ से फर्स्ट भी प्रूव कर दिया, सेकंड से थर्ड भी प्रूव कर दिया, तो सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है।